नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 6 स्टेट ने, ठीक है, 6 राज्य सरकारों ने अपने राज्य के जितने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उनको फाइनली कैंसिल कर दिया है। और अब कोई भी जो मतलब 6 जितने भी राज्य सरकार हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, अब कोई भी जो है अपने एग्जाम्स नहीं कराएंगे अपने राज्य में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के सीएम जी हैं, उन्होंने अपने दिल्ली में हर एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट या फिर किसी भी लेवल का स्टूडेंट जो है सबके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। और सभी एग्ज़ाम्स के प्रमोट होने से सभी विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, फाइनल कर दिया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो सीएम हैं इन्होंने भी जो है महाराष्ट्र में सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया है। पोस्टपोन एग्ज़ाम जो भी थे वो सभी कैंसिल कर दिए और सभी स्टूडेंट जितने भी फाइनल ईयर के हैं सबको पास कर दिया है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि फाइनल कर चुके हैं पास के लिए, और लगभग 6 स्टेट ने जो है फाइनल कर दिया है। आप जानते होंगे पंजाब में भी फाइनल हो चुका है, कैप्टन अरविंदर जो है उन्होंने कह दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के सबको पास किया जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि UGC ने बोल दिया तो एग्ज़ाम होने ही होने हैं, कंपलसरी एग्ज़ाम होने हैं। ये तो सिर्फ एक बहाना है राज्य सरकारों के पास जो कि लेके बैठे हुए हैं कि UGC ने कह दिया तो हम तो एग्ज़ाम कराएंगे अपने राज्य की। आप इन्हें भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं केजरीवाल जी को, आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे जी को जो कि एग्ज़ाम कैंसिल कर चुके हैं UGC के ख़िलाफ़ जाकर के। और भी स्टेट्स हैं 4 बाकी के जिन्होंने के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं UGC के ख़िलाफ़ जाकर के। तो ये तो सिर्फ बहाने हैं कि मतलब UGC ने बोल दिया है तो हम एग्ज़ाम्स कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने स्टेट का, आप भी अपने राज्य का जो है एग्ज़ाम कैंसिल करवा सकते हैं। जब इतनी बड़ी मतलब ये सरकारें भी तो कॉमन है, जैसे कि आप किसी राज्य की सरकार है वैसे यही भी तो राज्य की सरकार है, ये कोई कैंसिल का थोड़ी ना। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है UGC के ख़िलाफ़ जा करके अपने जितने भी राज्य के एग्ज़ाम्स हैं फाइनल के वो उन सबको जो है मतलब क्या कहते हैं पोस्टपोन नहीं किया बल्कि सभी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया और सभी एग्ज़ाम्स की जगह सबके रिजल्ट आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि UP बोर्ड और CBSE बोर्ड में एक डिफरेंस वो ये है कि अभी UP बोर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें कम से कम अगर हम बात कर रहे हैं तो 12th क्लास में 46% बच्चे जो है फेल हुए थे। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे उसमें लगभग 10-12% स्टूडेंट फेल हुए थे। लेकिन CBSE बोर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो CBSE बोर्ड में 98% स्टूडेंट को पास किया है 10th और 12th में। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली होती हैं और इन पर भी थोड़ा सा गौर किया जाता है। जो स्टूडेंट होता है वो समझता है इन चीज़ों को कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, कौन सी सरकार क्या कर रही है। खैर हम इन बातों पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो, तो स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी को देखना चाहिए। हर एक स्टूडेंट बॉडी बिल्डर नहीं है और हर एक स्टूडेंट के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए एग्ज़ाम को ना ही पोस्टपोन करना चाहिए ना ही एग्ज़ाम को इस तरीके से फंसाना चाहिए कि एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे। डायरेक्टली एग्ज़ाम तो कैंसिल करने ही चाहिए और एग्ज़ाम की चाहे रिजल्ट आना चाहिए। खास करके फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी है आना, क्योंकि फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका फॉर्म भरना है जॉब के लिए, सारी चीज़ें उन्हें करनी है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के लिए बच्चों को परेशान करना बिल्कुल ही गलत है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में बहुत ज़्यादा मतलब हमें मतलब सभी लोगों को दूर दूर रखना है, सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, उनको इतना तो सोचना चाहिए कम से कम सभी लोगों को मिलकर के कि एग्ज़ाम नहीं कराने चाहिए स्टूडेंट्स के। अगर एग्ज़ाम होंगे कितनी गैदरिंग होगी, कितना ज़्यादा कोरोना बढ़ेगा। और आज की डेट में जब 25-30 हज़ार डेली जो है कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं देश में, जब आप लोग एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं, तो ये तो UGC का जो है, UGC को थोड़ा सा माइंड से सोचना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए इस चीज़ पर। अगर दिमाग नहीं लगा पा रही है तो दिमाग थोड़ा सा और लगाए, थोड़ा सा और समय दे रहे हैं फाइनल वाले स्टूडेंट्स, ताकि उन लोगों को जो है दिमाग लगा करके दोबारा से एक डिसीजन लेना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उनको सभी स्टूडेंट्स को पास करना चाहिए।
और ये जो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई किसी बुजुर्ग ने या फिर कोई ऊपर से अवतार या फिर किसी ने कोई भविष्यवाणी तो नहीं की है कि फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ UGC ने एक अपना जिद बना ली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट सरकारें हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 स्टेट की सरकारों ने मना कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे UGC के खिलाफ जाकर के भी। तो बाकी की स्टेट सरकारें जो हैं वो क्यों नहीं मना कर रही हैं, वो भी चाहें तो एकजुट होकर के मना करके और जो एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकती हैं और सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो ला सकती हैं। स्टूडेंट्स की सिर्फ एक डिमांड है कि हमें आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पास कर दो। हम आपसे नहीं कह रहे कि हमें 60% दो, 70% दो, 80% दो, 90% दो। हम आपसे कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे, बस हम आपसे इतना मांग रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस ईयर है, जो हमारी दोनों साल हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपेरिजन में उनके हमें पास कर दिया जाए। देखिए गाइस, मैंने अपने एक ट्विटर पर एक हैशटैग बनाया जिसमें लिखा हुआ है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्रमोशन डिमांड, ठीक है। तो आप अगर उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भेजेंगे, हर एक फ्रेंड सर्कल में हर एक जगह शेयर करेंगे, तो हो सकता है वो चीज़ ऊपर जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में हमें एक चीज़ निकलती है कि ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी चीज़ों को वायरल करती है, वहाँ से कुछ ना कुछ हमें हेल्प जरूर मिलती है। तो ऐसे घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, और मैं पूरे सपोर्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को प्रमोशन मिले फाइनल वालों को, क्योंकि फाइनल वाले कोई ऊपर से स्पेशली उतर के नहीं आए जो कि उन लोगों के एग्जाम्स कराए जाएँ, बाकी किसी स्टूडेंट के एग्जाम ना कराए जाएँ, जबकि इतना कोरोना बढ़ रहा है तब भी। तो आप लोग मेरी उस लिंक पर जाइएगा, ठीक है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आकर के आप मेरे ट्वीट पर जाइएगा, उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप रीट्वीट करेंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि वो रीट्वीट जो है, हैशटैग जो है मेरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा।